नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, युवक को दबंगों ने जमकर पिटाई, जानिए पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत वार्ड नंबर 11 के निवासी पवन गुप्ता को कुछ दबंगों ने जमकर पिटाई किए। पवन गुप्ता का आरोप है कि हम शराब पीने को लेकर मना किए तो हमको रात में शराबियों ने रोक कर हमें जमकर मारे पीटे और मारपीट कर धमकाने लगे कि तुम्हें जान से मार डालेंगे। पीड़ित का ये भी आरोप है कि मैं चौकी थाना के चक्कर लगा रहा हूं परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस के अनुसार एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, बाकी आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। और मेरा पापा का नाम है लक्ष्मी प्रसाद रोनियर और मम्मी का नाम है ममता देवी। कहाँ आपका घर पड़ेगा? मेरा घर आसाम विश्वनाथ चरली में पड़ेगा। तो आप सातवार किस काम से आए थे? मैं अपना मामा का घर में आया। तो आपके साथ कैसा घटना हुआ है? मुझे जबरदस्ती ले जाया गया था और मुझे मारने की कोशिश की है, वो लोग पटक पटक के मुझे मारे गए। कौन लोग मारे हैं? स्वराज सिंह और शिवन सिंह। कब आपको ये घटना हुई है मार्केट का? सर 10 बजे तक। तो क्या अभी भी धमकी दी जा रही है आपको? यस सर। तो थाने पर आए, कोई सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी नहीं हो रही है सर, अभी नहीं हो रही है। पवन गुप्ता सर, ग्राम पोस्ट सहतवार, जिला बलिया वार्ड नंबर 11 का निवासी हूँ। क्या हुआ है, कैसे चोटू लगी है, क्या हुआ? सर ये मेरी गली में दो लड़के थे जो रोज शराब पीते थे शाम को और सिगरेट पीते थे, अनर्गल बातें दो, और उन्हीं को हमने एक दिन बोल दिया कि ये गली में शराब पीने की जगह नहीं है, कहीं दूसरे जगह जा कर पियो। उन्होंने हमें मार दिया जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कुल कौन थे, किसी कहीं दूर के थे या हमारे ही वार्ड के एक थे, स्वराज सिंह सन ऑफ टुनटुन सिंह वार्ड नंबर 11 जी। एक लड़का शिवन सिंह सन ऑफ हीरा सिंह बिना कोठी बले उस सहतवार बोलिए जी जी। तो अभी क्या थाने पर क्या आपके सहयोग होगा, पुलिस कहाँ के सहयोग? FIR लिखवाने आए हैं लेकिन यहाँ पर अभी FIR लिखा नहीं जा रहा है। क्या कर रहे हैं चेचो? ये SO साहब ये इससे पहले यहाँ थे नहीं, उसके बाद ये बोल रहे थे कि चौकी जाइए, चौकी से यहाँ आइए। हाँ। यही सब चल रहा है। तो आपने चौकी में लेटर डाला था? हाँ, हम चौकी में रात को ही सूचना दे दी थी, प्रार्थना लिखित आपने दिया था? हाँ जी। मुकदमा दर्ज हुआ नहीं है? नहीं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरा FIR हो और उचित कार्रवाई की। ये घटना कितने बजे की है? ये घटना सर रात 9 बजे की है। मैं दुकान से सामान लेकर घर जा रहा था तो अचानक मेरी बाइक को रोक कर और मुझे ये मारने लगे जी। रात को 9 बजे है, अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है? नहीं, अभी नहीं किया जा रहा है। पुलिस क्या इसमें क्या क्या मानते हैं, पुलिस मिली भगत है क्या? पुलिस भी है सर, हमें लगता है लगता है। अभी तक कार्रवाई, रात को भी हमने आया था तो रात को बोले कि सुबह आइए, सुबह में आए तो सुबह अभी तक नहीं कुछ हुआ नहीं हुआ।